हेलो गाइस, व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन। स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम जो है एक नई सीरीज़ के साथ मिले हैं, एक नए टॉपिक जो है चालू करेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर ही, जो कि आपको बहुत बहुत फ़ायदा देंगे। स्पेशली उन बच्चों को ये वीडियो बहुत फ़ायदा देगी जो ही अभी 11th स्टैंडर्ड में प्रमोट होके आए हैं, जो भी इकोनॉमिक्स जो है जस्ट चालू करने वाले हैं, उनको बहुत हेल्प करेगी। और प्लस मैं आपको इसके अंदर आपका कोर्स भी डिस्कस करूँगा एंड प्लस मैं आपको बताऊँगा कि हम आगे क्या क्या करने वाले हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स से कि आखिर ये इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स कितने भागों में डिवाइड है और कौन कौन सा भाग आपको कौन कौन से लेवल पर पढ़ना है। जैसा कि दोस्तों आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं जो मैंने बनाई है कि इकोनॉमिक्स है दोस्तों। इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज़ योर मैक्रो एंड द सेकंड इज़ योर माइक्रो। दोस्तों जो ये माइक्रो है, माइक्रो पहले मैं माइक्रो की बात कर रहा हूँ, यह आपको क्लास 11th लेवल पे पढ़ाई जाती है और बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी इसके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट जो है आपके आते हैं। एंड इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मैक्रो देन द मैक्रो जो है आपको अगली क्लास यानी कि 12th लेवल पे पढ़ाई जाती है एंड बीकॉम सेकंड ईयर में भी जो है इसमें से काफ़ी जो है टॉपिक्स आ जाते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आज हम जो शुरुआत है अपनी वो हम करेंगे माइक्रो से। इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी 11th क्लास में प्रमोट हो गए हैं, उनको नहीं पता कि व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इज़ मैक्रो। सो माइक्रो जो है सबसे सही रहेगा चालू करवाना, क्योंकि इसके अंदर आप समझेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब, इकोनॉमी का मतलब और वाई हमें आखिर इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं। ये तीन चीज़ें जो मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही में ये मैक्रो क्या है और माइक्रो क्या है, इसके बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो भी जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो के अंदर। बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्पेशली जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर वन है वो का नाम भी इंट्रोडक्शन है। तो हम पहले चैप्टर वन करेंगे अच्छे से कि आपको जो है आगे जो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको कोई भी दिक्कत ना आए। आशा है दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स कितने भागों में डिवाइड है, कौन कौन से लेवल पे कौन कौन सी किताब पूछी जाती है, इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा। मैं रेगुलर छोटी छोटी क्लिप्स कॉन्सेप्ट वाइज ये वीडियो डालता रहूँगा, बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए कि ताकि आपको जो है कोई भी जो है प्रॉब्लम ना आए। जी दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। आगे सबसे पहले दोस्तों आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, मैं आपके साथ एक शेड्यूल डिस्कस कर लेता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ इकॉनमी, आखिर इकॉनमी का मतलब क्या है, व्हाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, फिर पढ़ेंगे व्हाई एंड देन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का मतलब। फिर क्या पढ़ेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक्स का मतलब। दोस्तों इकॉनमी एंड इकोनॉमिक्स ये दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें जो है अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इन दोनों का मतलब क्योंकि ये मोस्टली जो है बताते नहीं हैं मोस्टली ट्यूटर्स, इसलिए जो है मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इकोनॉमी के आखिर का मतलब क्या है और इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इसी सीरियल में हम जो है इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ इकॉनमी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज़ इकॉनमी। ये दोस्तों आपके सामने पिक्चर आ गई है, जैसा कि मैंने बताया था मैं जो शुरुआत है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से करने वाला हूँ। जो शुरुआत है दोस्तों वो मैं कहाँ से करने वाला हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स से करने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स लिख रखा है और जो सीरियल मैंने आपको बताया था कि पहले मैं बताऊँगा इकोनॉमी का मतलब, देन वाई का मतलब एंड देन इकोनॉमिक्स का मतलब, उसी सीरियल में हम जो है चल रहे हैं। आइए दोस्तों जानते हैं व्हाट इज़ इकॉनमी, वाकिंग इकॉनमी क्या है क्या।
ये डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा इकोनॉमी के बारे में, ताकि आपको जो है डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाए। व्हाट इज़ इकोनॉमी? आप पर्सन हैं, आप खाना खाते हैं, अपनी ज़रूरतों को, फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, वो आती कहाँ से हैं? अगर आप कोई काम करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ तो काम चाहिए ना दोस्तों, तो वहीं से पैसा आएगा और वहीं से आप अपनी खा पी पाएंगे और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। सो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक तरीके का वो प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करती है। इकोनॉमी क्या है? सबसे पहले एक सिस्टम है। इकोनॉमी इज व्हाट इज डेट इज़ अ सिस्टम जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, जो प्रोवाइड करता है हमें क्या, एक जरिया, एक मींस, मतलब जरिया। कैसा जरिया? कुछ काम करने का जिससे हम कमा पाए, अर्न लिविंग एंड अपनी फैमिली की ज़रूरतों को जो है पूरा कर पाए। ठीक है दोस्तों, इस छोटे से एग्जांपल को याद रखिएगा। आपको काम करना है, कुछ काम करना है, क्यों करना है? ताकि अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके और जी सके आराम से, जो कि इस डेफिनेशन में भी आपको क्लियर कट बताया हुआ है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है। आपने सुना होगा, हम बात करते रहते हैं कि इसकी इकॉनमी ऐसी है, उसकी इकॉनमी ऐसी है, अमेरिका की इकॉनमी बहुत अच्छी है, इंडिया की इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है। सो ये वही इकॉनमी है, क्योंकि जिस कंट्री की इकॉनमी जितनी अच्छी होगी, वहाँ के लोग उतने कामयाब होंगे, वहाँ के बिजनेस उतने अच्छे होंगे, वहाँ के वो कंट्री उतनी ही डेवलप्ड होगी। लेकिन अगर किसी कंट्री की इकॉनमी अच्छी नहीं है, तो वो कम डेवलप होगी, अंडर डेवलप होगी, उसका लिटरेसी रेट कम होगा एंड प्लस जो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। आशा है दोस्तों आपको जो है इकॉनमी का मतलब समझ आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। वाई? वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स? वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स? वाई? आइए दोस्तों, वाई का मतलब आपकी स्क्रीन पे ये रहा बस थोड़ी सी देर में। 1 2 3 ये देखिए गाइस, ये मैंने आपको बड़ा बड़ा लिख के दे रखा है यहाँ पे, लाइक देख सकते हैं आप यहाँ पे। वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, ये पूरा नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ये देखिए, आगे हम ये इकोनॉमिक स्टडी क्यों कर रहे हैं? वैसे तो दोस्तों इकोनॉमिक स्टडी करने के एक नहीं तीन रीज़न है, एक नहीं तीन रीज़न है, लेकिन इन तीन रीज़नों में से जो सबसे भारी भरकम रीज़न है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसकी बहुत वैल्यू है, जो कि एक मेन रीज़न, भारी भरकम रीज़न माना जाता है, अभी मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगा। एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इकोनॉमिक रीजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम रीजंस पे, आप पूरी सारे रीजन अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इसके अंदर वाई का एक वर्ड में आंसर आपको दे रखा है कि व्हाट इज़ द मेजर रीज़न। इसके अंदर हम किसके बारे में बात करेंगे? व्हाट इज़ द मेजर रीज़न? क्योंकि अगर हम एक रीज़न के बात करें जो कि बहुत मेजर है, तो वो एक ही है। वैसे तो तीन है, लेकिन जो मेजर है वो एक ही है कि वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स ड्यू टू द वन मेजर रीज़न, जिसका नाम क्या है दोस्तों, जैसे कि आप देख स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्कैर्सिटी। आशा है, जैसे मैंने आपको बताया मैन रीजंस होते हैं, लेकिन हम एक रीज़न जो पढ़ रहे हैं, जो मेजर है, क्या है दोस्तों? स्कैर्सिटी। आफ्टर ऑल दोस्तों, व्हाट इज़ द स्कैर्सिटी? व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय स्कैर्सिटी? व्हाट इज़ स्कैर्सिटी? स्कैर्सिटी का मतलब दोस्तों अगर मैं बोलूँ तो होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, कमी है, कमी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ये रहा। आपके पास दोस्तों 10 रुपये है, 10 रुपये के अंदर आपका जो है एक पैटीज खाने का भी मन है और जो है पेप्सी पीने का भी मन है, लेकिन पेप्सी भी 10 रुपये की आती है, पैटीज भी 10 रुपये की आती है। तो आप देख पा रहे हैं ये 10 रुपये आपके क्या है? रिसोर्सेस। और ये क्या है? आपके गुड्स जो आपको चाहिए। तो स्कैर्सिटी का मतलब भी दोस्तों वही होता है कि रिसोर्सेज की कमी होना। हर इकोनॉमी के अंदर, हर जगह के अंदर कोई भी चीज़ जो है अनलिमिटेड नहीं है, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं है, उसका अंत है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे कुछ भी हो, जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। वो क्या है दोस्तों? लिमिटेड है। लेकिन जो इंसान की, ह्यूमन की वॉन्ट्स है ना दोस्तों, वो क्या है दोस्तों? वो अनलिमिटेड है। वो क्या है दोस्तों? वो अनलिमिटेड है। इसलिए प्रॉपरली रिसोर्स एलोकेट नहीं हो पाते हैं,
इस वजह से जो है डिफ्रेंसिएशन आता रहता है। इस वजह से ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, रिसोर्सेज की कमी होने के कारण जो है हमें इकोनॉमिक स्टडी करनी पड़ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्कैर्सिटी का मतलब इसके अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने पॉइंट्स के द्वारा। रिसोर्सेज क्या है दोस्तों, लिमिटेड है, एंड द ह्यूमन वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड है। डेट इज़ अ स्कैर्सिटी, आप इसे देख सकते हैं छोटी सी चीज़ को। ह्यूमन वॉन्ट्स मतलब ह्यूमन वॉन्ट्स आर मोर देन द रिसोर्सेज। दिस इज़ द मेजर रीज़न टू स्टडी द इकोनॉमिक्स, डैट इज़ अ स्कैर्सिटी। वन वर्ड के अंदर आ सकता है, वट इज़ द मेजर रीज़न फॉर स्टडी द इकोनॉमिक्स, डैट इज़ वॉट, इट इज़ अ नथिंग बट इट इज़ अ स्कैर्सिटी। वन वर्ड के अंदर, वन वर्ड या टू वर्ड आंसर के अंदर आ सकता है, प्लीज़ एक्सप्लेन द स्कैर्सिटी। तो हम लिख सकते हैं रिसोर्सेज आर टू लिमिटेड बट द ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, सो आई कैन से द ह्यूमन वॉन्ट्स आर मोर देन द रिसोर्सेज। एंड यस, नेक्स्ट हम जो है प्रोसीड करिए किसकी तरफ दोस्तों, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रोसीड टूवर्ड्स वट डू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स। वट डू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स जो है ऑलवेज कंसर्न विद द सोसाइटी। हम इकोनॉमिक्स की हमेशा सोसाइटी के प्रोस्पेक्टिव से ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बात करते हैं कि सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है। अगर सोसाइटी की इकॉनमी अच्छी होगी, सोसाइटी के अंदर सब अच्छा होगा, तो उसकी ग्रोथ होगी, उस कंट्री की ग्रोथ होगी। तो आखिर इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स है क्या? इकोनॉमिक्स इज ऑलवेज कंसर्न्ड विद सोसाइटी एंड इट इज़ अ साइंस, सो वी कैन से इट इज़ अ सोशल साइंस। सो वी कैन से इट इज़ अ सोशल साइंस, जैसा कि मैंने यहाँ लिख भी रखा है डेट इट इज़ अ सोशल साइंस। जो क्या स्टडी करती है, कोई भी साइंस होती है वो कुछ एक्सपेरिमेंट करती है, जो कि स्टडी करके करती है, कुछ स्टडी करती है। तो इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है, तो वो क्या स्टडी करती है, वो स्टडी करती है दोस्तों सोसाइटी के वेज को, सोसाइटी के तरीकों को, सोसाइटी के तरीकों को, कैसे तरीकों को। इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस, साइंस स्टडी करती है, क्या स्टडी करती है, सोसाइटी के तरीकों को, सोसाइटी के तरीकों को, कि कैसे वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जो पुअर भी है कुछ पीपल, कुछ मिडिल क्लास भी है, कुछ रिच भी है, डेट इज़ अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। आशा आपको थोड़ा थोड़ा जो है समझ आ रहा होगा। सोशल साइंस है जो स्टडी करती है इंसानों के वे को, कि वो कैसे इंसान अपने पैसे को, अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है ताकि वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सके डिफरेंट ग्रुप्स के। जैसा कि मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक स्कैर्सिटी से की वजह से हमें पढ़नी पड़ रही है, तो इसका देख सकते हैं स्कैर्सिटी का लिंक भी इन सब पॉइंटों से हो रहा होगा। स्कैर्सिटी है तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगे वो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल को जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये है इसके इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, जो कि हमें आपको अपनी बेस्ट ऑफ नॉलेज से पढ़ाने की जो है मैंने कोशिश करी है। दोस्तों जैसे कि मैंने इस वीडियो में वादा करा था कि मैं आपको एक और चीज़ का मतलब बताऊंगा, जो मैंने शुरुआत में बोली थी मैक्रो एंड माइक्रो के बीच का डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, आइए पढ़ाता हूँ इनके बीच का डिफरेंशिएशन। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है। जैसे कि माइक्रो, माइक्रो एंड द मैक्रो, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटा गोला बना रखा है और यहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा गोला बना रखा है, तो मैं कह सकता हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होते हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं छोटी यूनिट्स को, इकोनॉमी के छोटे यूनिट्स को। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, लेकिन यहाँ पे लिखा है मैंने बड़ा गोला, इसको हम कह सकते हैं स्टडी करते हैं बड़ी यूनिट्स को, इकोनॉमी की बड़ी यूनिट्स को। आइए देखते हैं, मैंने यहाँ लिख भी रखा है इसके अंदर स्टडी करते हैं इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ इकोनॉमी, मतलब एक एक को छोटी को, लेकिन हम यहाँ पे स्टडी करते हैं एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी, पूरी पूरी को। इसके टूल्स क्या है दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई,
ये आपको अच्छे से आगे समझ आ जाएगा। इसमें बस आपको मैं एक बार पढ़वा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब आप एट दी एंड अच्छे से आप ये कर पाओगे, इकोनॉमिक्स समझ लोगे, तो आपको जो आपके जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं कि व्हाट इज़ माइक्रो, व्हाट इज़ माइक्रो के अंदर इन टूल्स का एग्जांपल इस्तेमाल क्यों होता है, ये आपके जहन के अंदर जो है घुस जाएंगे। इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड डेट इज़ एग्रीगेट सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स को एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम थ्योरी भी कहा जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, जैसे कि मैंने बताया माइक्रो होती है छोटे के लिए, तो इट्स के एग्जांपल है इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट बड़ा। तो इसके अंदर इसके एग्जांपल है नेशनल इनकम पूरे की और नेशनल आउटपुट। जी दोस्तों, ये आपको भी थोड़ा टफ लग रहा होगा माइक्रो और माइक्रो का डिफरेंशिएशन, लेकिन आपको आगे समझ आ जाएगा। बस इतना समझिए, माइक्रो इज़ कंसर्न विद स्मॉल एंड द माइक्रो इज़ कंसर्न विद द लार्ज। इन माइक्रो वी स्टडी द इंडिविजुअल यूनिट, बट इन द माइक्रो वी स्टडी द एग्रीगेट। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो जो है समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको इससे कुछ भी फायदा हो, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल शोभ जन कॉमर्स डिस्कशन, ऐसे ही नई नई और प्यारी वीडियो के साथ जो हम आपके साथ बने रहेंगे, लाते रहेंगे। प्लीज़ चिंता मत करिएगा, इस पूरी सीरीज़ को हम कंप्लीट करेंगे, इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे, ताकि ना कि 11th क्लास में आपको कोई दिक्कत आ पाए, पर ये चैप्टर जो बी कॉम लेवल पर भी पूछा जाता है, आप उसके अंदर भी जो अच्छा स्कोर कर पाए। सारी वीडियोज़ जो है, सारी बेस्ट ऑफ नॉलेज जो मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा पूरी की पूरी। प्लीज़ बने रहिए, थैंक यू सो मच। आपका प्यार ही जो है मेरी ताकत है और जो मेरे को मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।